अल्लाह वताल ने सुरान इमरान की आयत नंबर थर्टी सिक्स में हज़रत मरियम की वालदा की दुआ जो उन्होंने हज़रत मरियम की वलादत के मौके पर वज़ा हमल के मौके पर मांगी उसका तस्करा फरमाया है दुआ के अल्फाज़ हैं इन्नी अजुहाँ बिका वज्रीयतहाँ मिनशतुआन रजीम कि अल्लाह मैं इसको और इसकी ज़रूरीत को शैतान की उकसाहटों से बचने के लिए तेरी पनाह में देती हूँ और इस दुआ के असरात कैसे बेहतरीन नज़र आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कचोके लगाता है जिसकी वजह से वो बच्चा चीखता है और चिल्लाता है लेकिन शैतान के इस फेल से सिर्फ़ दो बच्चे महफूज रहे हज़रत मरीम और उनके बेटे ईसा इब्न मरियम बवजह उस दुआ की जो उनकी वालिदा ने वलादत के वक्त की थी तो यही वो दुआ थी अल्लाह सुबहाना ताल ने हज़रत मरियम सलाम की वालदा की दुआ उनकी बेटी और उनके नवासे के हक़ में इस शक्ल में कबूल की कि अल्लाह ने बेटी को भी और फिर हज़रत सलाम को भी शैतान की उकसाहटों से फितने से बेहतरीन हालत में महफूज रखा तो मेरी बहनों अगर आज चाहती हैं कि आज के दाली दौर में शैतान के फ़ितनों और यलगार और हमलों के इस दौर में जब शैतान अपने अपने एलिगेटर अपने एलिगेटर जॉज खोले हमारी नस्लों और हमारी जुरियतों को झपटने के लिए मुंतजर बैठा है इस दौर में उनको शैतान के वसवसों और हमलों से बचाना चाहते हैं तो वज़ाय हमल डिलीवरी के वक्त या बच्चे की वलादत के वक्त इस दुआ को पढ़ लीजिए या अपनी बेटियों और अपनी बहुओं को या अपनी अपनी क्लिनिक्स में आने वाली अपनी पेशेंट्स को अपनी बहनों को अपनी अजीज़ों को, को रिश्तेदारों को सिखा दीजिए या ख़ुद जब अपनी बेटियों अपनी बहुओं की डिलीवरियों के मौके पर मौजूद हों तो उस वक्त भी ये दुआएं पढ़ लीजिए इन्नी और बिका व ज़ुर्रिया मिनश अल्लाह सुबहाना हमारे और हमारी औलादों और ज़रूरीतों के दीन ईमान इस्लाम इज्जतों हया और आबरू की हिफाजत फरमाए और हम सब का बिल ईमान फरमाए